जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल सभी के लिए दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट लेके आए दोस्तों एसएससी जीडी 2024 के लिए। दोस्तों बहुत ही एक बड़ी अपडेट आ चुका है, आप लोग सभी को पता हो गया जो आईटीपी ने नोटिस जारी कर दिया है। क्या नोटिस जारी कर दिया आप लोगों में डिटेल्स में बताता है दोस्तों, रिजल्ट कब तक जारी होगा और आप लोगों को इंतजार अभी ज़्यादा समय अभी नहीं है। दोस्तों देखिए अभी दोस्तों आप लोग थंबनेल देख लिया होगा, इंतजार के लिए अभी ज़्यादा दूर अभी बाकी नहीं है। आज हो गया कितना तारीख दोस्तों, 1 जुलाई, और कितना दिन है आप लोगों, पहले मैं बता देता हूँ रिजल्ट आप लोग कहाँ पर मिलेगा। देखिए रिजल्ट के ऑप्शन में इसमें जाके आप लोगों को कॉन्स्टेबल जीडी आप इसमें आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए इसमें मिलेगा। और आप लोगों को एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो इम्पोर्टेंट जो बात है, अभी नोटिस जो है जारी हुआ था, जो आईटीएपी का तरफ से जो एक नोटिस जारी हुआ था टेंडर का लेकर, जो टेंडर का जो ओपनिंग हुआ था, 3 शॉर्ट लिस्टेड हो गया था 3 कंपनी। अभी उसका जो बाकी है अभी प्रोसेस है, जो एक ही कंपनी रहेगा और वो कंपनी आप लोगों को फिजिकल कराएगा। अभी एसएससी रिजल्ट कब तक जारी होगा वही मेन बात जो आ जाता है। एसएससी रिजल्ट दोस्तों आप लोगों का जुलाई 3rd वीक से पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी होने का बहुत ही संभावना है। जैसे आप लोगों को अपडेट मिला है मुझे, वैसे आप लोगों को बताने के लिए कोशिश किया हूँ। और कैसे आप लोगों को लगभग जुलाई लास्ट वीक तक, मतलब 25 जुलाई से पहले आप लोगों को रिजल्ट जारी होने का बहुत ही संभावना है। और जो मेन बात आ जाता है आपको, अगस्त महीना में आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट होने जा रहा है। अगस्त महीने में फिजिकल स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि सब कुछ आप लोगों का अभी जो कंपनी है ये लगभग आप लोगों को 8-10 दिन के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा जो कंपनी फिजिकल कराएगा। इसलिए आप लोग टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, फिजिकल पूरे पूरा प्रैक्टिस रखिए, फिजिकल आप लोगों को अच्छे से करना है। क्योंकि अभी जैसे आप लोग सीआरपी में देख लिया होगा, सीआरपी में एक ही साथ हो रहा है ट्रेड्समैन का जो फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, 2-3 दिन लगेगा इसमें। एडमिट कार्ड में भी दे रखा वही है बात, आप लोगों को भी इस बार तैयारी हालत में रहना है। दोस्तों आप लोग बिना टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ फिजिकल के लिए तैयारी हो जाइए। टाइमिंग अच्छा से लाइए, 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग और फीमेल 1.6 किलोमीटर रनिंग 8.5 मिनट पर। और इतना ही था वीडियो में, और आप लोग टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, जुलाई 3rd वीक से पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी होने का एकदम बिल्कुल संभावना है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। आईटीपीए इस बार है नोडल एजेंसी दोस्तों, बिल्कुल ठीक ठाक रहिए, शरीर ठीक ठाक रखिए, इस बार नौकरी आपको लेना है, क्योंकि वैकेंसी 46,000 से 617 वैकेंसी है दोस्तों। जय हिंद, बने रहो।